बात कर लेते हैं दिल्ली की आबकारी नीति की, क्योंकि आबकारी नीति से जुड़े मामले में बड़ी खबर ये कि इस मामले पर आज सीबीआई की ओर से दायर की गई चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। इस चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है। सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और उसके बाद सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की थी, अब उस चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले सिसोदिया ने जब अपनी जमानत याचिका दायर की थी, अर्जी दायर की थी, तब जमानत पर सुनवाई हुई थी और सीबीआई से उन्हें जमानत मिल जाए इसके लिए सिसोदिया के वकील ने अपना पक्ष रखा था। लेकिन आज सीबीआई को अपना पक्ष रखना होगा कि सीबीआई ने किस आधार पर सिसोदिया को गिरफ्तार किया, सीबीआई किस आधार पर यह कहती है कि उन्होंने सिसोदिया का नाम चार्जशीट में डाला, चार्जशीट में उनका नाम आने के पीछे वजह क्या है, क्यों उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए, किस आधार पर सीबीआई उन पर यह आरोप लगा रही है कि उन्होंने साजिश रची है दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले की। तो ये सारे सवालों के जवाब सीबीआई को आज कोर्ट में देने होंगे, न्यायालय में अपनी बात रखनी होगी और इस चार्जशीट को लेकर सुनवाई आज होने वाली है। हालांकि चूंकि चार्जशीट को लेकर सुनवाई है तो ऐसे में सिसोदिया की मौजूदगी इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है, तो हो सकता है कि मनीष सिसोदिया आज कोर्ट में पेश न हो, लेकिन उनकी जमानत की अर्जी अगर है तो ऐसे में उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा।